हिंदुस्तान में किसान को अर्थव्यवस्था का कना समझा जाता है और विशेष रूप से जलगांव जिले के अंदर केले की फसल जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज केले का किसान परेशान है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और आला नेता माजी मंत्री गिरीश भाऊ महाजन, खासदार उन्मेश दादा पाटिल, रक्षादेई खड़से जो कि रावेर निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के खासदार है, आमदार राजमामा भोले, साथ ही में मंगेश चौहान जी आमदार और अन्य नेता यहाँ पर उपस्थित है। चंदू भाई पटेल हमारे विधान परिषद आमदार भी यहाँ पर उपस्थित है। कई गणमान्य नेता यहाँ पर उपस्थित है, कई बड़े कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए हम जानते हैं गिरीश भाऊ से। भाऊ, आज जो आंदोलन किया जा रहा है, रास्ता रोको किया जा रहा है, बड़ी संख्या में वाहन रुके हुए, तो आपके मन की भावनाएं भी काफी प्रबल होंगी, इसीलिए इतना बड़ा रास्ता रोको किया है। जलगांव जिला ये केले के पैदावार में देश में एक नंबर पर है। जैसे देश में जितना भी केले की उत्पादन होता है उसमें 25% केला ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट का होता है, और यहाँ पे जो केले की फसल होती है उसमें जो इंश्योरेंस का कवर उनको किया गया है, तो उसमें इस साल बहुत सारे जो नॉर्म्स है वो बदल लिए गए हैं। और नॉर्म्स ऐसे बदले हैं कि इस साल एक भी किसान को एक भी रुपए का फायदा इस इंश्योरेंस से, इस बीमा से होने वाला नहीं है। बहुत गलत तरीके से नॉर्म बदल दिए। पिछले 5 साल हमारी सरकार भी थी, तब किसानों को अच्छी तरह से इसका फायदा भी हुआ था, इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से उनको अच्छी मदद भी हुई थी, लेकिन इस साल ये सभी नॉर्म बदलने से एक भी किसान को एक भी रुपया पैसे भरने के बावजूद भी मिलने वाला नहीं है। पूरे नॉर्म्स के पूरा चेंज, मतलब अगले 50 साल भी आप देखेंगे या पिछले 50 साल देखेंगे तो ऐसा कोई क्लाइमेट हुआ नहीं, ऐसा क्लाइमेट इसमें डाला गया है। तो हमारी मांग ये है कि जो पिछले 5 साल से जो नॉर्म्स थे वही रखे जाए। दूसरा हमारा विषय है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। 4-4 महीने यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं मिलता जल गया तो। पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी तब एक ही दिन में ट्रांसफार्मर मिलता था, अभी तो 3 महीने 4 महीने 2 महीने ट्रांसफार्मर ही नहीं मिल रहा है। बिजली तो बिल भी बढ़ के आ रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। पानी होने के बावजूद भी किसानों के पास बिजली नहीं है, इसलिए किसान परेशान है, मतलब हर तरह से किसान यहाँ पर मर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके जो नॉर्म्स है वो बदले जाए, हमें ट्रांसफार्मर 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में वो दिए जाए, ये बिजली का जो सब खेल खराबा हुआ है उसमें कुछ सुधार हो, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। उसी को लेकर हमने आज ये मोर्चा का आयोजन यहाँ पर किया था। उसी के साथ MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके तहत जो मक्का है, कपास है, धान है, वो तो आपने लेना चाहिए। आज मार्केट में 800 रुपये मक्के के भाव है, MSP 1800 रुपये है, लेकिन सरकार मक्का खरीदी नहीं कर रही है। कपास की भी हालत वैसी है, कपास सरकार नहीं ले रही है। पिछले साल भी 10% भी मक्का और कपास किसानों का सरकार ने नहीं लिया है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। तो हमारी मांग ये भी है, कपास भी लो, मक्का भी खरीदी करो, धान भी लो, ये तुरंत शुरू होना चाहिए, ये हमारी आज की प्रमुख मांग है। बहु एक संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर मांगे मान्य नहीं होती है तो अगले आंदोलन की दिशा? नहीं, हमने आज ये आंदोलन रखा है, भाजपा की तरफ से आंदोलन किया गया है, और हमने कहा है अगर आज सरकार नहीं मानती, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल कुंभकर्ण जैसी सो रही है, कुछ मुझे ज़्यादा फायदा तो दिखता नहीं। आज देखो ST ड्राइवर कंडक्टर ने आज सुसाइड कर लिया, क्यों? तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती, उसने चिट्ठी लिख के रखी है। कल रत्नागिरी में एक ST के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके यहाँ खाने को नहीं है, उनके यहाँ तनख्वाह नहीं है। आज किसानों को मदद डिक्लेयर की है 10,000 करोड़ की, दिवाली अंधेरे में जा रही है, उनको 1 रुपये की मदद नहीं है। आज जो स्टूडेंट है उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। आज जो सर्विसेज में है उसमें कोई मतलब आगे कुछ बात बढ़ी नहीं रही है, क्यों? तो आरक्षण नहीं हो रहा है, मराठा आरक्षण की वजह से बातें रुकी हुई है। मराठा आरक्षण में सरकार को रुचि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रुचि नहीं है। मराठा आरक्षण के लिए जो उनके नेता है उन्होंने मोर्चा कर उनके मातोश्री पे लेके गए, उनको मुद्दों जी मिलने को तैयार नहीं, ना मंत्रालय में मिलते, ना घर पे मिलते, ना ऑफिस में वर्षा बंगले पे मिलते हैं। सरकार बिल्कुल उदासीन है, 3 पार्टी की सरकार है, लेकिन मतलब कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी को कुछ पूछता नहीं, इसलिए ये जो राज्य में ऐसे पहली बार हुआ है, इतना गंदा कारोबार सरकार का पहली बार हुआ है। इसमें एक भी वर्ग सुखी नहीं है, ना विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ना नौकरदार है, ना किसान है, सब लोग परेशान हैं। वर्क फ्रॉम होम की जो संकल्पना सरकार ने पेश की, क्या उससे सहमत है? वर्क फ्रॉम होम अच्छा चल रहा है, उद्धव जी का चल रहा है, उन्होंने कहा कोरोना में, हमने कहा एक दिन तो बाहर आओ, तो बोले वर्क फ्रॉम होम, मैं, मेरा परिवार, बस यही उनका नारा है। और घर में बैठ के वो सब काम कर रहे हैं, ना कि रास्ते पे आ रहे हैं, ना किसानों को मिल रहे हैं, ना कोई कर्मचारियों को मिल रहे हैं, ना मराठा आरक्षण वालों को मिल रहे हैं, ना कोई स्टूडेंट को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे। कोरोना में भी घर के बाहरों निकले नहीं, वर्क फ्रॉम होम, अच्छी भूमिका है उनकी, अच्छा चल रहा है।